हाय गाइस, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। आपको मैं बम्फर ट्रिक लेके आया हूँ। जिसको डाकू बनना हो, बदमाश बनना हो, किसी से दुश्मनी करना हो, इंटरनेशनल डॉन बनना हो, इंटरनेशनल किलर बनना हो, तो कॉन्टेक्ट मी। हालांकि सबको मैं बता देना नहीं, क्लिप में आ जाऊँगी। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। लोग पढ़ने की लंबी लंबी अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं, तुमको डॉन की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? दिस इज द ट्रिक ऑफ डॉन, यानी डॉन बनने की एक ट्रिक। आज हम कॉट डॉन बना रहे हैं आपको, ठीक है? दिस इज द डॉन ऑफ ट्रिक, ठीक है? तो डॉन की ट्रिक होती है। जैसे क्या होता है अपन लाइफ में, कि जब कैसे किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, कि बोलते हैं कि हम तुमको मार डालेंगे, ठीक है? तो वो कैसे मारते हैं, तो गन से मारते हैं, तो चाकू से मारते हैं, ठीक है, नाइफ से मारते हैं। तो अगर नाइफ अगर गलत जगह पड़ गया और आदमी बच गया, तो वो आदमी उसको वाट लगा देगा, ठीक है? तो अगर किसी को मारो तो फिर अच्छे से मारो, ताकि मर ही जाए, बचे ही ना। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं तुमको एक बम्फर ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे तुम किसी को मारोगे तो मर ही जाएगा, फिर बचने का सवाल ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो दिस इज़ द डॉन ऑफ ट्रिक, यानी कि इंटरनेशनल डॉन बनना हो, प्रोफेशनल डॉन बनना हो, किलर बनना हो, अच्छा डॉन बनना हो, ठीक है, देहाती छाप डॉन नहीं, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अपन का जो स्टमक होता है, स्टमक जिसे हो गया, ठीक है, तो स्टमक हमारा हो गया। अब स्टमक में क्या होता है कि बाकी तो तुम्हें सब चीज़ पता है, एफ यू एन डी एस सी ए आर डी आई कार्डियक बॉडीज पाइलोरिक, दिस इज द पाइलोरिक पार्ट, दिस इज द ड्यूओडेनम, सॉरी दिस इज द ओ ई एस ओ पी एस ए एस ई एस, दिस इज द इसोफेगस, दिस इज द ड्यूओडेनम, डी ओ यू डी एन यू एम, दिस इज द ड्यूओडेनम, दिस इज द वेस्ट टू इसोफेजियल स्फिंक्टर, दिस इज द वेस्ट टू इसोफेजियल, ठीक है? तो ये हमारे बॉडी का एक स्पेशल पार्ट है, जिस पे अगर थोड़ी सी अगर मार पड़ जाएगी तो आदमी मर जाएगा, ठीक है? तो उसको तुमको कैसे मारना है कि आदमी मर जाए, तो हम तुमको बता रहे हैं। दिस इज द स्टमक, ठीक है? तो थोड़ी साइंस की चीज़ें जान लो, ताकि मारने में आसानी मिले, ठीक है? तो देखना, दिस इज जे एस एच ए पी ए, दिस इज़ द जे से भी स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें पता है कि जे से भी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अब तुमको पूरा ऐसे नहीं मारना, जे से होता तो थोड़ी एंगल मिला के मारना, ठीक है, थोड़ा अपना एंगल देख के मारना, चक्कू कैसे मारना, दिस इज द जे से, दिस इज द बैक लाइक, बी ए सी के बैक आई के, दिस इज द बैक लाइक स्ट्रक्चर, ये बैक लाइक स्ट्रक्चर है। बैक लाइक का मतलब पता नहीं, पूरे मतलब हमारे पूरे पेट में नहीं हो सकता, ठीक है, पूरे पेट में नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं बैक साइड पर ही पाया जाता है, बैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी बैक साइड पर पाया जाएगा। थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड देखना, थर्ड लेफ्ट एल ई एफ टी ओ बी डी ओ एम आई एम, दिस इज द लेफ्ट ऑब्डोमिन, ठीक है, ये लेफ्ट ऑब्डोमिन पाया जाता है, लेफ्ट साइड ऑब्डोमिन पाया जाता है, ठीक है? तो तुम्हें तीन चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जिससे तुमको क्लियर हो गया होगा कि स्टमक पेट पे कहाँ पाया जाता है, किस जगह पाया जाता है। अब तुमको चक्कू मारने में आसानी पड़ेगी। अब देखना, अब क्या होता है, देखो जैसे कि दिस इज द स्टमक, ठीक है, दिस इज द पूरा अपन का पेट हो गया सामने वाला, ठीक है, तो उसमें स्टमक बैक लाइक मान लो कि यहाँ पे मान लो लेफ्ट हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड थोड़ा एब्डोमिन, यानी कि लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ जे शेप का बना रहता है। अब तुम्हें पता नहीं कि पूरा पेट ये हो गया, अब तुमको चक्कू बीच में नहीं मारना है, इधर नहीं मारना है, ठीक है, बीच में मारना है, इधर मारना, इधर मारना है तुमको, ताकि ज़्यादा बचे नहीं, तकलीफ ना आ जाए, ठीक है? तो आइंदा कभी किसी से एनेमी हो जाए, तकलीफ ना आ जाए, तो सालों को यहाँ पर मार देना, यहाँ पर नहीं यहाँ पर मार देना, ताकि वो ऑन द डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो मर जाएगा, तो इससे बात कोई कहानी नहीं होगी। अगर तुमने सपोज डेट इधर मार दिया तो बच जाएगा दवा करा के, ठीक है, तो इसमें दिक्कतों का सामना तुमको करना पड़ेगा, दोबारा वो चक्कू लेके आगे तुम्हें मार देगा सही जगह पर, तो तुम तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है? उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं तुमको एक क्लियर ट्रिक बताऊँ, तो दिस इज़ द डॉन ट्रिक। हालांकि ये सब बता मत देने किसी को, नहीं तो मैं फिर तकलीफ में आ जाऊँगा,
ठीक है, तो मेरी तकलीफ मत बढ़ा दें, मैं तुम्हारी तकलीफ को बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो ये तकलीफों का जो सिलसिला है तो हमेशा चलता रहेगा, तो प्लीज़ नो तकलीफ। तो अक्सर हम अक्सर कई केसेस में हो जाते हैं, जैसे हमने टीवीज में देखे, कई रियल में केसेस देखे कि उसने उसको चप्पू मार दिया तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर इसके बाद वो बच गया है, तो साला चप्पू पेट में मारा तो बच कैसे सकता है, तो यही साला फंडा रहता है, ठीक है, कि उसको एब्डोमिन में लग के साइड राइट साइड में लग जाता है, ठीक है, राइट साइड में साला पाया नहीं जाता वो, ठीक है, तो पेट में लग जाता है, जिसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, अगर स्टमक में पड़ गई चप्पू तो नहीं बच, तब तो बच ही नहीं सकता, ठीक है, पड़ जाएगा। दिस इज द डॉन ट्रिक, ठीक है, ऐसे बम्पर ट्रिक के लिए संपर्क करते रहना। वैसे मैं आई एम जोकिंग, मैं जोक के लिए तुमको बता रहा हूँ, इसको सीरियस मत ले लेना, है ये सही बात सही है, पर मैं तुमसे जोक कर रहा हूँ, ठीक है, तुम सीरियस लेके किसी को मारवा मत देना, फिर बाल बोल दो कि दिनेश भैया बोले थे, वीडियो देख रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमारा किसी मरने या जीने से, जीवित या मृत आदमी से कोई संबंध नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, स्टडी युक्त है, और ये स्टडी युक्त ही रहना चाहिए, ठीक है, इसका मरने और जीने से किसी से कोई संबंध नहीं है। तो हम कलम चलाना भी जानते हैं और बंदूक चलाना भी जानते हैं। थैंक यू, दिस इज़ दिनेश फ्रॉम कानपुर, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।